नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप आईपीओ का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपको आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं हुआ, कितने लॉट अलॉट हुआ। इस वीडियो में हम सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप चेक कर सकते हैं आपका आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, सबसे जो पहला साइट है वो है bscindia.com। इस पे जो न्यू इन्वेस्टर है, न्यू ट्रेडर है, उसके लिए काफ़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर उपलब्ध होता है। आप इस वेबसाइट पर आकर के बीएससी इंडिया पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड साथ साथ आईपीओ से रिलेटेड यहां पर देख सकते हैं। आपको सबसे पहले यहां पर चूज करना है इक्विटी या डेट। यहाँ पर इक्विटी या डेट किस से रिलेटेड आपका आईपीओ है, तो हमारा इक्विटी से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर इश्यू नेम चूज करना है, तो जैसे रूट मोबाइल लिमिटेड। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको, फिर पैन नंबर अपना देना है और यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे कि हमने सर्च किया है तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हमारा बता रहा है रिकॉर्ड नोट फाउंड। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए रिकॉर्ड नोट फाउंड, मैंने पहले ही अपना एप्लीकेशन नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल के सर्च किया रिकॉर्ड नोट फाउंड। तो अभी आपको वरी नहीं होना है क्योंकि यहां पर जो आईपीओ का डेट है, देख सकते हैं रूट मोबाइल, वो 17 तारीख को यहां पर देख सकते हैं अलॉटमेंट होगा। लोग सब हल्ला कर रहे हैं कि 16 सितंबर को ही ये अलॉटमेंट हो गया है, ये गलत बात है। 17 सितंबर को यहां डेट दिया हुआ है, ये देख लीजिए यहां पर के फिनटेक जो कि रजिस्टर है इस आईपीओ का। यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ 15 को देख सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था, 17 को अलॉटमेंट होगा आपको रूट मोबाइल का। तो 17 को आकर के आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे लिंक वन है, लिंक वन पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए, चाहे आप लिंक टू पर क्लिक करके चेक कर लीजिए। तो ये लिंक आपको दिया हुआ है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ से भी आप जा करके अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अभी रूट मोबाइल का तो आईपीओ यहाँ पर आया नहीं है, तो आपको जो हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ है उसका चेक कर सकते हैं। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का आपको चेक करना है तो यहाँ पर खोजना हैप्पीएस्ट माइंड देखना टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर या पैन कार्ड नंबर किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ चूज कर लेना है। तो फिर यहाँ पर ASBA चूज करना है, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ कैप्चा डालना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका आईपीओ का स्टेटस दिखा देगा अलॉट हुआ या नहीं। हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ, ये भी मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और रूट मोबाइल का होता है या नहीं ये कल पता चल जाएगा, 17 को इसका अलॉटमेंट डेट है रूट मोबाइल का। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इसका मैंने कल ही चेक किया था, मेरा अलॉटमेंट नहीं आया है, और कल 17 सितंबर को इसका लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग पे आपको ध्यान देना है, अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो कितना लिस्टिंग गेन आपको मिलता है, हो सकता है प्रॉफिट बुक, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट आप बुक भी कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप और सारे ऑप्शन चाहते हैं जहां से आप अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं, तो वो है NSDL और CDSL। तो आपका जो भी डीमैट अकाउंट हो, जिसके पास भी NSDL या CDSL जिसके पास हो, तो वहां पे लॉगिन करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, मुख्य रूप से तीन ऑप्शंस आपको हमने बताए। सबसे पहला आप बीएससी इंडिया से कर सकते हैं, NSE से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो रजिस्टर है उस आईपीओ का, जैसे के फिनटेक है, रजिस्टर रूट मोबाइल का और हैप्पीएस्ट माइंड का, वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है NSDL और CDSL पे लॉगिन करके भी आप अपना आईपीओ का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए कि कैसे आईपीओ का स्टेटस चेक करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।